हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ स्वीटी बढ़ालिया एंड वेलकम टू एसबी एकेडमी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में और उनसे रिलेटेड जनरल करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इन डिटेल आप लोगों के क्लास 11th में और 12th में पी ब्लॉक चैप्टर को बांटा हुआ है, जिसमें आप डिटेल में स्टेप बाय स्टेप इनके बारे में प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ हम ऊपर से एक जनरल करेक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे, थॉरोली स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, मैंने आपको बताया भी था कि पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स को चार ब्लॉक में डिवाइड कर रखा है, जिसमें हमारे पास एस ब्लॉक आता है, पी ब्लॉक आता है, डी ब्लॉक आता है और एफ ब्लॉक आता है। एस ब्लॉक हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पीछे के वीडियो लेक्चर इस चैप्टर से रिलेटेड देख कर आएँ, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट की जब हम बात करते हैं तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स उन एलिमेंट्स को कहा जाता है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कार्बन की, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। कॉन्फिग्रेशन क्या रहेगी? 1s2, 2s2, 2p2। हम छोटी क्लासेस में लिखते भी हैं, पहली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम बात करें इसकी आउटर मोस्ट शेल के बारे में, तो आउटर मोस्ट शेल में यानी कि जो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट कहाँ गया है? पी ऑर्बिटल के अंदर गया है। तो ये किस ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा? पी ब्लॉक का। समझ में आया? अगर मैं बात करती सोडियम की, सोडियम के एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11, 2, 8, 1। वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो है 1, ठीक है। अब देखेंगे कि 1 कहाँ आ रहा है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो ये लास्ट का इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में आया, तो ये सोडियम जो है s ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा, ठीक है। s ब्लॉक के एलिमेंट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, यहाँ पे मैं एट प्रेजेंट आपको p ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा रही हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए डेफिनेशन के बारे में अगर हम डिस्कस करें, द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द पी ऑर्बिटल ऑफ देयर आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल की, तो पीरियोडिक टेबल को हम इस तरीके से बनाते हैं, और पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम राइट में हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। अगर हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो ये ग्रुप 13 से स्टार्ट होते हैं और ग्रुप 18 तक रहते हैं, क्लियर है। ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, ये आपके 6 ग्रुप क्या बना रहे हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट को बना रहे हैं। अगर मैं बात करूं ग्रुप 13 की, ठीक है, मैं अभी लिख भी दूंगी। ग्रुप 13 की बात करें तो इसमें सबसे पहले क्या आता है? बोरोन, ये बोरोन फैमिली रहेगी, ठीक है, बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम, ऐसे करके। फिर 14 में आता है कार्बन फैमिली, 15 में आता है ऑक्सीजन, सॉरी 15 में आता है नाइट्रोजन फैमिली, 16 में आता है ऑक्सीजन फैमिली, 17 में आता है हेलोजन फैमिली और 18 में आता है नोबल गैस फैमिली, ठीक है। मैं यहाँ पे फिलहाल वैसे नियॉन लिख रही हूँ क्योंकि फ्लोरीन के बाद नियॉन आता है, बट नियॉन से पहले हीलियम भी आता है, बट मैंने हीलियम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2, और वो क्या होता है? 1s2, तो वो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, इसलिए मैंने यहाँ पर हीलियम को ना लिख के फ्लोरीन के आगे वाला नियॉन लिखा है, ठीक है, बट हीलियम भी आपका नोबल गैस फैमिली है। तो अब देखिए क्या है, अगर मैं बोरोन की बात करूं तो बोरोन का एटॉमिक नंबर जो है ग्रुप 13 में आ रहा है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 5। कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी? 1s2, 2s2, 2p1। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आया? 1 में आया, ठीक है। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 3, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 थे, बट लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे गया है? पी ऑर्बिटल में। अगर मैं बात करूँ कार्बन की, कार्बन मैंने अभी आपको लिख के भी दिखाया था, ठीक है, तो मैं दोबारा नहीं लिख रही। तो इसमें क्या है कार्बन में? मैं सीधा लिख रही हूँ 2p2। फिर उसके बाद है नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, 2, 5। कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी? 1s2, 2s2 और 2p3। अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन की, एटॉमिक नंबर 8, 2, 6। कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी? 1s2, 2s2, 2p4। अगर मैं बात करूँ फ्लोरीन की, एटॉमिक नंबर 9, 2, 7। कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी? 1s2, 2s2, 2p5। नियॉन की बात करूँ, नियॉन एटॉमिक नंबर 10, 2, 8, क्या रहेगा? 1s2, 2s2, 2p6। तो आप क्या देख रहे हैं?
कि इनमें वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किस किस के अंदर बटे हुए हैं, 2s और 2p के अंदर। 1s तो आपका ये आ रहा है, पहली शेल आ रहा है, तो 1s को तो हम देखेंगे नहीं, तो क्या आ रहा है, 2s टू 2p1, 2s टू 2p2, 2s टू 2p3, 2s टू 2p4, 2s टू 2p5 और 2s टू 2p6। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसकी वैलेंस शेल में अगर हम बात करें तो 2s तो हमेशा फुल्ली फिल्ड है और जो p ऑर्बिटल है इसका वो ग्रेजुअली फिल्ड हो रहा है, जैसे p1, फिर p2, फिर p3, फिर p4, फिर p5 और फिर p6। तो अगर मैं p ब्लॉक एलिमेंट की जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, अगर मैं p ब्लॉक एलिमेंट की जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो क्या बनेगी, वो बनेगी ns2, क्योंकि इसका जो ns2 है ये क्या है, हमेशा फुल्ली फिल्ड है, ठीक। और np 1 से शुरू हुआ है, ठीक है, 1 से शुरू हुआ है और 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है, ठीक है। अब ये ग्रुप पे डिपेंड करता है, अगर मैं ग्रुप 13 की बात कर रही हूँ तो क्या रहेगा, ns2 np1। अगर मैं ग्रुप 14 की बात कर रही हूँ क्या रहेगा, ns2 np2। 15 की बात कर रही हूँ ns2 np3। 14 की बात कर रही हूँ ns2 np4, ठीक है। फिर ऐसे 16, 17, 18 की बात कर रही हूँ तो इस तरीके से 2p4, 2p5, 2p6 ये भरता चला जाता है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो देखिए सबसे पहले क्या है, दे इंक्लूड बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगर हम पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं ना, तो इसमें मेटल एंड नॉन मेटल दोनों आते हैं। अच्छा, इससे पहले जब मैं आपको वो बता रही थी ग्रुप 13, 14 की भाई इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, मैंने 16 के लिए गलती से ग्रुप 14 प्रोनाउंस कर दिया था, तो आप उसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, ठीक है। बोलना था 16, मैंने बोल दिया था 14, तो के ग्रुप 16 जो है आप ध्यान रखना, उसमें कॉन्फ़िगरेशन ns2 np4 रहती है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम कि जैसे हमारे पास पीरियोडिक टेबल है और पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर p ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, ठीक। तो p ब्लॉक में क्या होता है कि ऊपर वाले जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर होते हैं नॉन मेटल्स, ठीक। फिर हम नीचे आते हैं तो हमें एक का दुक्का मिल जाता है मेटलॉइड, और फिर उसके बाद हमें जो सबसे नीचे वाले हैं ये मिलते हैं मेटल्स, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो नॉन मेटल, मेटलॉइड, मेटल्स हमें मिलते हैं। तो हम मेटलॉइड क्या होते हैं, जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करें, नॉन मेटल की भी और मेटल की भी, ठीक है। तो इसीलिए हम कलेक्टिवली क्या कह देते हैं कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट है वो दोनों चीज़ें कंटेन करके रखता है, मेटल भी और नॉन मेटल भी। ऊपर से नीचे जब हम आते हैं तो मेटालिक करेक्टर जो है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम जब आ रहे हैं, तो मेटालिक करेक्टर जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक। उसके बाद देखिए, देयर आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर रिलेटिवली हाई एज कम्पेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर हम इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर करें किससे, एस ब्लॉक एलिमेंट से, तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा निकलेगी, जाहिर सी बात है। कैसे, आपको पता है लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो साइज क्या होता है, साइज होता है छोटा। यहाँ पे आ रहा है एस ब्लॉक एक्सट्रीम लेफ्ट में, पी ब्लॉक कहाँ आ रहा है, एक्सट्रीम राइट में। लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हैं साइज छोटा हो रहा है, छोटे साइज के एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है कि मुश्किल है, ऑब्वियस ही बात है मुश्किल है। अगर एटम का साइज छोटा है तो न्यूक्लियस ने क्या कर रखा है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रांगली हेल्ड कर रखा है अपनी तरफ, अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। तो वहाँ से ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते, निकाल सकते हैं, बट वहाँ पे आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। और यहाँ पे क्या है, एस ब्लॉक के एलिमेंट स्टार्टिंग में आ रहे हैं, साइज बड़ा है, तो न्यूक्लियस से ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉन है वो इनके कंपैरेटिवली दूर हैं। अगर डिस्टेंस ज़्यादा, अट्रैक्शन वीक, अट्रैक्शन कम, तो कम एनर्जी देने पे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा इसमें। जबकि पी ब्लॉक में क्या है, लेफ्ट टू राइट आने पे साइज छोटा हो रहा है, साइज छोटा हो रहा है तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन स्ट्रांग है, क्योंकि डिस्टेंस कम है साइज छोटा होने की वजह से, तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी आउटर मोस्ट शेल में से लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए।
ठीक है। तो ये जो आपका सेकेंड पॉइंट है ये इसी के बारे में चर्चा कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है कि एस ब्लॉक के कंपैरेटिवली पी ब्लॉक एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, दे फॉर्म मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड्स। आपने नोटिस भी किया होगा कि भले ही यहाँ पर मेटल नॉन मेटल दोनों आते हैं, बट ज़्यादा जो मतलब क्वांटिटी या अमाउंट देखा जाता है वो नॉन मेटल का होता है, नीचे वाले होते हैं जो मेटल्स होते हैं। एस ब्लॉक वाले जो लेफ्ट में आते हैं, एक्सट्रीमली लेफ्ट में, दे आर कम्प्लीटली मेटालिक इन नेचर। जो मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देंगे, नॉन अब जल्दी लूज कर देंगे तो मतलब चार्ज कैरी कर लेंगे, और चार्ज कैरी करेंगे तो आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड बनाने की क्षमता इनकी अच्छी रहेगी एस ब्लॉक की। पी ब्लॉक वाले क्या हैं, बेचारे नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, हैलोजन्स को छोड़ दो, ठीक है, ग्रुप 17 को छोड़ दो और 18 को छोड़ दो, उनको तो वैसे किसी की जरूरत नहीं होती, अपने आप में निराले हैं वो। बट उनसे पहले अगर मैं बात करूं तो क्योंकि ये बहुत अच्छे नॉन मेटल्स होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद नहीं करते, तो ये प्रेफर करते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड का बनना तो लाजमी है। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि यहाँ पे नॉन मेटल ज़्यादा आ रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बनाना प्रेफर करते हैं, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादातर बनाते हैं, और यहाँ पे एस ब्लॉक वाले जो एक्सट्रीम लेफ्ट में आ रहे हैं ये बनाते हैं आयनिक बॉन्ड। अब देखिए, आपको केमिस्ट्री के अंदर कभी भी किसी एज एक चीज़ पे ना 100% स्टिक नहीं रहना चाहिए। क्यों? अगर आप पी ब्लॉक को बड़े ध्यान से देखो तो पी ब्लॉक खुद ही अपने अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन लेके बैठा है। इसके अंदर नॉन मेटल भी है, मेटलॉइड्स भी है, मेटल भी है, तो ये वैरायटी ऑफ प्रॉपर्टी शो करता है। इसलिए मैंने यहाँ पर वर्ड लिखा है क्या, मोस्टली, मतलब कि ज़्यादातर। मैंने यहाँ पे 100% नहीं लिखा है कि पी ब्लॉक में जितने एलिमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएंगे, नहीं, देर आर सम एक्सेप्शंस ऑल्सो, बट हम जनरली बात कर रहे हैं कि ज़्यादातर क्योंकि नॉन मेटल्स आते हैं और ज़्यादातर ये शेयरिंग करना प्रेफर करते हैं, इसीलिए ये कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादातर बनाते हैं, बट नॉट ऑल द टाइम्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सम ऑफ देम शो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, रेसिडुअल चार्ज, कि जब हम बगल वाले एलिमेंट्स को हटाएं तो उन पे जो चार्ज आ रहा है, आप ऑक्सीजन को ही देख लो, ऑक्सीजन आपका पी ब्लॉक एलिमेंट है, जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की तो यहाँ पे इसका चार्ज होता है -1 पर ऑक्साइड के केस में, इसका चार्ज क्या होता है ऑक्सीजन का -1, और जब हम बात करते हैं ऑक्साइड की, कोई ऑक्साइड अगर ये बना रहा है तो इस पे चार्ज क्या होता है -2। तो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता रहता है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये है कि जब आप बगल वाले नेबरिंग एटम को हटाओगे तो वो इनके ऊपर क्या चार्ज देखे जाते हैं, प्लस का कि माइनस का, ठीक है। फिर उसके बाद आप नाइट्रोजन का भी देख लो, एक एग्जाम्पल ना मैं बता देती हूँ, जैसे अगर आप बात करो अमोनिया की, अमोनिया में नाइट्रोजन का चार्ज निकालो, नाइट्रोजन को माना x, हाइड्रोजन 3 है, हाइड्रोजन पे चार्ज होता है +1 इक्वल टू 0 क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड है, तो यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 3 और वहाँ लेके जाइए -3, तो यहाँ चार्ज आ गया -3। NO2 में निकालो नाइट्रोजन का, इसे x मानो, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन पे चार्ज है -2 इक्वल टू 0, तो ये आपका वहाँ जाके क्या आ गया, x की वैल्यू +4। तो ये एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और कर भी सकते हैं, भाई बगल वाला जो पड़ोसी एलिमेंट है वो कैसा चार्ज लेके बैठा है, जब वो जा रहा है तो इस पे कैसा चार्ज लेके जा रहा है, इसकी वजह से इसके ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होते रहते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग आने के का जो एक रीज़न है वो ये भी है कि इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, ठीक है, किस कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये शो कर सकते हैं, तो देर आर सेवरल रीज़न, वो हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। फिर उसके बाद है, देयर अकर्स अ ग्रेडेशन फ्रॉम रिड्यूसिंग टू ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड्स ऑफ दिस ब्लॉक। ग्रेडेशन का मतलब ये होता है कि लगातार सक्सेसिवली कोई चेंज आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, साइज छोटा होता है, बड़े साइज के एटम के पास इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्षमता अच्छी होती है। अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो कोई दूसरा जो है वो क्या करेगा, गेन, तो ये बहुत ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे क्योंकि इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन देके किसी और का रिडक्शन करवाया। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में भी समझाया था। यहाँ पे क्या है, इनका साइज हो गया पी ब्लॉक एलिमेंट का छोटा,
अब जब छोटा हो गया है तो इलेक्ट्रॉन ये लूज नहीं करेंगे, बट हाँ अगर आप चाहते हो इनसे गेन करवाना तो ये गेन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हैलोजन में क्लोरीन आ जाते हैं, हैलोजन्स में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आ गए, ठीक है, तो इनका इनकी टेंडेंसी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करना प्रेफर करते हैं। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करना प्रेफर कर रहे हैं, खुद का रिडक्शन करा रहे हैं, तो किसी दूसरे को फोर्सली कहेंगे कि भाई तो इलेक्ट्रॉन लूज कर, तो किसी दूसरे का क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन। तो इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे यही बात कही गई है कि जब हम कहाँ जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं अक्रॉस द पीरियड ऑफ दिस ब्लॉक, ऐसे मूव कर रहे हैं, तो इनकी जो प्रॉपर्टी है रिड्यूसिंग से, वो किस में चेंज हो रही होती है, ऑक्सीडाइजिंग में। साइज छोटा है ना, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, खुद का रिडक्शन कराएंगे, और दूसरे का ऑक्सीडेशन कराएंगे कि तू इलेक्ट्रॉन लूज कर ताकि हम इलेक्ट्रॉन गेन कर पाए। तो इसका मतलब क्या है कि इनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आप इन्हीं में ही कंपैरिजन करो ना, जैसे यहाँ पे भी साइज़ क्या थोड़ा 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 ऐसा छोटा हो रहा है, तो इसमें और इसमें भी आप कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज़, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें किसकी, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो मैंने आपको बताया था इसमें टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं, 6, 13 से लेकर 18 तक, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, इनको याद करने के लिए, तो मैंने पहले ही लिख रखे हैं ताकि आप हमारा टाइम वेस्ट ना हो, मैं बोलती जा रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करके लिखते जाना, ठीक है। इसका है बाल गंगाधर इंडियन तिलक, ठीक है, बी बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, ठीक है। बाल ये क्या बना रहा है, दिस इज बाल, ठीक है, गंगाधर गंगाधर इंडियन तिलक, ठीक है, आप लिख लेना इंडियन तिलक। उसके बाद इसकी बात करें अगर, तो ये क्या है, काशी गए संत प्रभु, कार्बन सिलिकन जर्मानियम टिन लेड, ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके या स्लो करके लिख लेना। तो क्या है ये, काशी, इसका क्या बन रहा है, काशी है वैसे, ठीक है, साउंड क्या कर रहा है, काशी गए संत प्रभु, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, नाना पाटेकर असरानी सब बीमार, नाना पाटेकर असरानी सब बीमार, ठीक है। नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, क्या है, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, ठीक है। फिर इसका क्या है, उस से टी पी लो, मतलब चाय पी लो, ठीक है, उस, ये दोनों मिलके बना रहे हैं, उस से टी पी लो, ठीक है। तो ये क्या है, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलूरियम पोलोनियम, ठीक है। फिर है हमारे पास हैलोजन फैमिली, इसको ग्रुप 17 को हम क्या कहते हैं, हैलोजन फैमिली, ये भी आप लिख लेना, आपको पता होना चाहिए। और जो ऑक्सीजन फैमिली होती है इसको हम क्या कहते हैं, चालकोजन्स फैमिली, सॉरी कैल्कोजन्स फैमिली, कैल्कोजन चालकोजन ये सेम सेम से लगते हैं, इट्स कैल्कोजन फैमिली, ठीक है। उसके बाद जब हम हैलोजन फैमिली की बात करते हैं, तो ये क्या है, इसका है फिर कॉल करने, ठीक है, कॉल करने, करने कुछ नहीं है इसमें, कॉल करने बाहर आई आंटी आंटी, ठीक है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टाटीन, ठीक है, एस्टाटीन रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। अच्छा, इनके ना नीचे भी एक 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 एलिमेंट आते हैं जो बाद में डिस्कवर हुए हैं, बट हम उनको पढ़ते नहीं हैं, जो हमारी स्टडी रहती है वो यहीं तक रहती है, इसलिए मैं लास्ट वाला एलिमेंट नहीं लिख रही हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि भाई इनके नीचे एलिमेंट नहीं है, इन सबके नीचे एक एक एलिमेंट है, बट उसको हम पढ़ते नहीं हैं, मैनमेड सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं वो, ठीक है। उसके बाद है ग्रुप 18, ग्रुप 18 की बात करते हैं, तो हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जिनॉन रेडॉन, मैंने हीलियम को ऊपर इसलिए लिखा है क्योंकि फ्लोरीन के बाद ना एटॉमिक नंबर जो है वो नियॉन का आता है 9 और 10, इसलिए मैंने हीलियम ऊपर लिखा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये है हेलो, ठीक है, हेलो नेहा
और नेहा, नेहा और करीना जी, ठीक है वो एक्स ही है ना तो जी साउंड कर रहे, नेहा और करीना जी, राम राम। ठीक, तो इस तरीके से आप पी ब्लॉक एलिमेंट को पूरा याद कर सकते हैं। और मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि भाई आपको जैसे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इनके तो एटॉमिक नंबर पता ही होंगे, है ना। बोरोन का कितना होता है 5, कार्बन का कितना होता है 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियॉन का 10। देखो क्या नाम है, एटॉमिक नंबर लिखते नीचे हैं, ठीक है मास ऊपर लिखा जाता है, बट अभी मुझे क्योंकि जगह नहीं है और भी कई चीज़ें लिखनी है इसलिए मैं ऊपर लिख रही हूँ। ठीक है, होप आप माइंड नहीं करेंगे इस चीज़ को और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के कि ये मैम ने एटॉमिक नंबर लिखे हैं, मासेस नहीं लिखे हैं। अब देखिए इनकी खास बात पता क्या होती है, जैसे बोरोन है एटॉमिक नंबर 5 है, तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 3, तो जितने भी ग्रुप 13 एलिमेंट्स हैं ना इनकी वैलेंस शेल में 3-3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कार्बन की तो क्या हो गया 2-4, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 14 वाला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ग्रुप 15 वाला है वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 16 है तो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 17 है तो वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन और ग्रुप 18 है तो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो अब आते हैं हम किस पे, अब आते हैं हम मैजिक नंबर्स पे। तो मैजिक नंबर पी ब्लॉक के लिए जो चलता है वो चलता है 8, 18, 18, 32। ठीक है, तो बोरोन जो है इसका एटॉमिक नंबर है 5, 5 के अंदर 8 ऐड करिए कितना हो गया 13, फिर 13 के अंदर आप ऐड करिए 18। ठीक है, तो 13 के अंदर 18 ऐड करेंगे 31 आएगा, 8 और 3 11 और यहाँ पर एक और आ गया तो 31। ठीक है, फिर 18 ऐड कर दिया, फिर उसके बाद अब 31 में दोबारा आप 18 ऐड कर दीजिए कितना आ गया 49, 49 में आप 32 ऐड कर दीजिए कितना आ गया 81। ठीक है, अब आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, देखो हर ग्रुप का अगर आपने मतलब याद कर रखा है तो आप 8, 18, 18, 32 ऐड करके निकाल सकते हैं। अगर आप इसका निकाल लेते हैं तो आगे के सीक्वेंस सारे मतलब सीक्वेंस में हैं तो आप लिख सकते हैं 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, 16, 17, 18। ठीक है, ऐसे इसका 32, 33, 34, 35, 36। अगर आपको याद भी है ना तो आप करते समय भी क्रॉस चेक कर सकते हैं कि पता है मुझे कि ब्रोमीन का 35 है, क्रिप्टन का 36 है, इट मीन्स मैंने सही किया है। फिर है इंडियम, इंडियम 49 हो गया, ये हो गया 50, फिर 51, 52, ठीक है 53, फिर उसके बाद हो गया 54, फिर 81 के बाद 82, 83, 84, 85 और 86। ठीक है, आप चाहें तो जैसे ऑक्सीजन का आपको पता है कि 8 है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 8 है, 8 में 8 ऐड किया 16 आ गया, 16 के अंदर 18 ऐड करोगे, ठीक है 16 के अंदर 18 ऐड किया तो आपका 34 आ गया, 34 के अंदर आप 18 ऐड करोगे तो आपका कितना आ गया 52। ठीक है, सही किया है मतलब, फिर 52 के अंदर आपने 32 ऐड कर दिया तो आपका क्या आ गया ये 84, मतलब कि ये सही किया है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे अगर आपको किसी ग्रुप का निकालना है तो आप ग्रुप को पकड़ लो एक पहले एलिमेंट को, उसमें 8, 18, 18, 32 ऐड करके देख लो, और अगर आपको कहीं पे पूरी पीरियोडिक टेबल ही बनानी है तो इसका कर लो, बाकी के सारे आपके सीक्वेंस में चल रहे हैं। ठीक है, बट ये ध्यान रखना कि जो पहला निकाल रहे हो वो सही निकालो, अगर पहला ही आपने गलत निकाल दिया तो फिर आगे के भी सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको पीरियोडिक टेबल जो है रिलेटेड टू पी ब्लॉक, मैंने आपको एस ब्लॉक का बता ही दिया था। ठीक है, क्या था वहाँ पे, हेलिना का रबड़ किसने फाड़ा, और क्या था कि बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप फ्रोए या बाप राजी, व्हाटएवर जो आप करना चाहते हैं। पी ब्लॉक जो है, पी ब्लॉक का भी हमने देख लिया कि कैसे हम पी ब्लॉक को, पूरे पी ब्लॉक को याद कर सकते हैं, उसका एटॉमिक नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा ये, आप थोड़ा सा ध्यान रखना, फ्लोरीन के बाद नियॉन आता है, नियॉन से ऊपर पहले क्या आता है हीलियम। ठीक है, ग्रुप 18 को हम नोबल गैस फैमिली कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखिए प्लीज, ग्रुप 18 को हम क्या कहते हैं, नोबल गैस फैमिली। ठीक है, ग्रुप 17 को हम कहते हैं हैलोजन फैमिली,
ग्रुप 16 को हम बोलते हैं कैल्कोजेंस फैमिली। और अगर हम बात करें, कहाँ पे लिखूँ मैं, जगह नहीं है, अगर हम बात करें एस और पी की कलेक्टिवली, ठीक है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की अगर हम कलेक्टिवली बात करें तो इनको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ये भी कई बार ना वन मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, स्पेलिंग गलत है भाई, तो ये स्पेलिंग जान खा लेती है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो कई बार ये भी वन मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो है उनसे हम किनको रेफर करते हैं। तो यू शुड नो दैट कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हम लोग कलेक्टिवली यूज करते हैं फॉर एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, नोट करिए इसे। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।